Thank you so much. थैंक यू। मैंने सोचा था कि मैं टॉप फाइव बने रहूंगा और मैं टिके रहूंगा, मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था, मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई केतन राव, थैंक यू। काफी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेते हैं लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए ये भी मैंने सीख कर गया हूँ, तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश, वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे। हम शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूंगा। नो मोर कॉमेंट्स ऑन पर्सनल थिंग्स, थैंक यू। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसे चीज़ों में। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। क्या यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। ऑल द बेस्ट टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी आप अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है, कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूं अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में ये रूल अप्लाई करता हूँ। ऑफकोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। एंड ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सना सुल्तान या सना सुल्तान, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊंगा जल्दी। थैंक यू। Thank you.
Thank you.